हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रतन कुमार सांबरिया की जो शॉर्ट स्टोरी है बेस, उसके बारे में। रतन कुमार सांबरिया का जो बर्थ है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ था, लेकिन जो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम है वो उन्होंने राजस्थान में स्पेंड किया, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट राजस्थानी लैंग्वेज में आया। वो ऑथर हैं 5 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ की और एडिटर हैं डॉक्टर अम्बेडकर एन इंस्पायरिंग लाइफ बुक के। उनका जो वर्क्स है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है, जैसे कि मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कन्नड़ एक्सेट्रा, और वो बहुत ही एक एस्टेब्लिश्ड नेम है रीजनल लिटरेचर में। बात करें स्टोरी के टाइटल के बारे में, तो बेस का मतलब होता है कल्चरल जो राजस्थानी ड्रेस है वो, जिसमें एक चोली होती है, घाघरा होता है और जो ये ओढ़नी होती है उसे बोलते हैं बेस। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के जो मेन करेक्टर है वो है अग्नि, जो कि एक 20 साल की लड़की है। वो एजुकेटेड है और एक टाइपिस्ट के तौर पे काम करती है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, एक रिमोट एरिया में। उसकी अपनी मम्मी से बात होती है कि मैं आ रही हूँ, ऐसा वो पूरा टाइम बता देती है कि मैं 8 बजे के आसपास आ जाऊँगी। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि आप इतना लेट कैसे हो गए। तो वो यहाँ पर जो एक अटायर है उसके बारे में बताती है कि मैं ना ऐसा टेलर से वो लेने लग गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। तो उसकी मदर उसे फॉरबिड करती है कि ये तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ये जो ड्रेस है, जो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो राजपूत औरतें पहनती हैं, हमें ये औरतों का जो ये अटायर है इसको कॉपी करने का कोई भी राइट नहीं है, सो यू शुड नॉट वियर दैट। तो यहाँ पे जो उसकी मदर है वो उसे फॉरबिड करती है ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनने में, लेकिन वो उसे रिवॉल्ट करती है कि नहीं नहीं, मेरे को जो पहनना है आई विल वियर दैट। संडे उसकी एंगेजमेंट थी, जिसकी वजह से वो बस में अपने जो घर है उदयपुर उसकी तरफ आ रही थी। रास्ते में क्या होता है कि जो उसकी बस है वो ख़राब हो जाती है, एंड शी गेट टू नो कि जो नेक्स्ट बस है वो 2 घंटे में आएगी। तो अब उसको ये लगता है कि भाई 2 घंटे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगा, 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, मैंने तो मम्मी को बोला था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी, मेरी मम्मी भी परेशान हो रही होगी वहाँ पे। तो वो सारे जो थॉट्स हैं उसके दिमाग में आते हैं, साथ में उसको थोड़ा डर भी लगता है कि मैं कैसे, मैंने कभी ऐसा ट्रैवल नहीं किया है रात को, मैं कैसे ही ट्रैवल करूँगी। बट स्टिल शी थॉट दैट कि नहीं, अब मैं चली जाती हूँ। तो जैसे ही वो बस से उतरती है और रोड क्रॉस कर रही होती है, 2 मैन यू नो फॉलोड हर। तो वो जो 2 लोग होते हैं जो उसका पीछा करते हैं वो कौन होते हैं? हरजी और मरजी। ये जो दोनों लोग हैं ये ट्विंस की तरह दिखते हैं, और इनका जो यू नो एक पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडीली स्ट्रक्चर, वो भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि वो शॉर्ट स्लीव टी शर्ट धोती जैसा पहन के, बहुत ही स्मॉल बिल्ड के, ब्राउन स्किन के लोग हैं, और वो उसका पीछा कर रहे हैं ऐसे। तो फिर क्या होता है, जैसे वो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो ऐसा पूरा एस्केप करने की कोशिश करती है। देन एट द एंड वो एक ट्रक लेके आते हैं और दे ट्राई टू यू नो टेक हर अवे फ्रॉम देयर, लेकिन वो कैसे भी करके मैनेज करती है भागने का और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो लोग उसे ढूंढते रहते हैं, वो नहीं मिलती। जैसे ही वो अपनी जो जगह है उसे चेंज करती है पेड़ के पीछे से, तो वो लोग उसे देख लेते हैं, और वहाँ पे थोड़ा लाइट होता है तो उसको बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। पहले उन्होंने उसे क्लियरली देखा नहीं था, बस ये था कि एक लड़की है। तो जब वो उसे क्लियरली देखते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो राजपूत अटायर डाल रखा है इसने, तो जो राजपूत औरतें डालती हैं कपड़े, वैसे कपड़े डाल रखे हैं। तो वो डर जाते हैं, बोलते भाई तुम ना ये बोलते हैं, मरजी बोलता है हरजी को कि भाई तू ना मेरे को भी मरवाएगा, ऐसा है किसी राजपूत की वाइफ को तुम छेड़ रहे हो, अब हमारा जो जीना है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि भाई अब ना इसको छोड़ के निकल लेते हैं, अगर किसी को पता लगा कि हमने किसी राजपूत जो औरत है उसको छेड़ा है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हरजी बोलता है कि भाई ये ट्राइबल विमेन है, ये राजपूत नहीं है, इसने सिर्फ कपड़े डाल रखे हैं। लेकिन मरजी उसको इंसिस्ट करता है कि भाई पंगा मत लो, कोई जो ट्राइबल वुमेन है वो क्यों ही डालेगी जो ये बेस है वो। तो फिर बाद में क्या होता है, वो निकल जाते हैं। लेकिन बाद में वो जब चल रही होती है तो फिर से आते हैं, और जो ट्रक क्लीनर होता है एक उनका, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन, एक अफ्रीकन लाइक सा, वो यहाँ पे एक बहुत ही रेसिस्ट सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का अफ्रीकन्स जैसा सा दिखता हुआ ट्रक क्लीनर है। वो भी उसे बोलता है कि ये राजपूत वुमेन ही है और हमें पंगा नहीं लेना चाहिए बिना बात किसी हाइयर कास्ट की वुमेन को छेड़ के। तो वो उसको सॉरी वॉरी बोल के निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो आगे चल रही होती है तो कुछ जैकल्स उसे सराउंड कर लेते हैं। तो एक आदमी आता है, बहुत ही उसका भी डिस्क्रिप्शन ऐसा ही है कि एक अगली सा लुकिंग मैन है,
लेकिन वो उसे बचाता है वहाँ पे। जब वो उसे देखता है कि भाई ये तो ना राजपूत विमेन है, अब जो उसका अटायर है ना वो उसकी डेस्टनी को डिसाइड कर रहा है कि वो कैसी दिखती है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उससे ही उसका जो पूरा फेट है यहाँ पे वो डिसाइड किया जा रहा है। तो वो उसे जब देखता है तो सोचता है कि इसके जो हस्बैंड है ना वो कहीं पी के लेटा होगा, एंड आई शुड सेव हर, क्योंकि जो राजपूत विमेन है वो हम सबकी डिग्निटी है, मुझे उसे बचाना चाहिए। तो बाद में वो उससे बोलने की भी कोशिश करता है, पूछने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो फिर वो सोचता है कि हाँ ये ना पक्का राजपूत विमेन है, क्योंकि जो राजपूत औरतें होती हैं वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर से बात करती हैं, किसी बाहर के जो मेल हैं उससे बात नहीं करती, और जिस तरीके से इसने इसे घूंघट वगैरह कर रखा है तो फॉर श्योर ये राजपूत वुमेन है और मैं अब इसे गाइड करूँगा। तो उसने फिर बाद में क्या होता है, 3 बजे तक उसे गाइड किया। फिर वो सोचता है कि ये इतनी देर से खड़ी है यहाँ पे, शायद बहुत थक गई होगी, तो उसे पानी ऑफर करता है। बट लाइक शी डिडंट टुक दैट वाटर, क्योंकि उसे पता था पानी लूँगी बोलूँगी तो पता लग जाएगा ट्राइबल वुमेन हूँ, फिर मेरी जान आ जाएगी खतरे में। तो उसने पानी नहीं लिया। तो वो जो आदमी था वो मन में क्या सोचता है कि देखो इन लोगों को ये प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी जो इनका एक वो ना एटीट्यूड है अपनी कास्ट को लेके वो नहीं गया है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये कितना भी प्रॉब्लम में आए लेकिन जो इनकी एक अकड़ है ना अपनी कास्ट वाली वो कभी नहीं निकलेगी। तो फिर ये मन में ही सोचता है ये बात, वो बोलता नहीं है उसे। तो वो उसे जैसे ही गाइड करता है, फिर 8 बज जाते हैं और फिर वो सुबह जब बस से जा रही होती है तो सभी लोग उसे देखते हैं, जो हर्जी मर्जी है और ये भी वो देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि ओ लाइक ऐसा कि ये तो एक ट्राइबल वीमेन ही थी और हमने इसे जो इसका कपड़ा है उसके बेसिस पे सोच लिया कि एक राजपूत वीमेन है, अदरवाइज़ हम इसे कभी भी गार्ड नहीं करते या फिर हम कभी भी इसे सॉरी बोल के ऐसा नहीं निकलते। तो जो ये स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि कैसे एक जो अटायर था उसने उसको गार्ड किया, जो अग्नि है उसे, अदरवाइज उसके साथ कुछ भी हो सकता था, शी वुड हैव बीन किल्ड, शी वुड हैव बीन रेप्ड, ऐसा कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था उसका, लेकिन उसके जो कपड़े हैं उन्होंने उसे बचाया। तो कैसे एक अटायर के बेस पे जो किसी का डेस्टिनी है वो डिसाइड होता है, वो इस जो स्टोरी है उसका एक मेन थीम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, होप यू अंडरस्टूड दैट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप दैट इन टू द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।